नमस्कार दोस्तों, 19 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार। दोस्तों, हमने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम थी, जी उसमें आवाज़ थोड़ी असाफ नहीं आ रही थी, इसलिए ये दोबारा वीडियो बना रहे हैं और पता भी चल जाएगा इस बेर के रेट में और अब के उसमें क्या फ़र्क है जी, बिक्री कैसी चली और क्या पोजीशन चल रही जी। अरे ऐसे मत कर, अपने आप तोल देंगे अभी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी सेठ जी, जब सवेरे वीडियो बनाई जी उसमें थोड़ी सी आवाज़ की अच्छा प्रॉब्लम आ रही। हाँ, प्रॉब्लम आई जी, थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं आई जी। चलो कोई बात नहीं, तो जी अब बताओ जी सवेरे के उसमें जो है क्या फ़र्क है जी, अब में कितनी गाड़ियाँ आई भाई साहब। देखो, जो आपको सवेरे मैंने वीडियो में जो भी रिपोर्ट दिया था बिल्कुल ओके दिया था, वही सेम पोजीशन है। अच्छा जी। अराइवल आज की ताज़ी अराइवल है 59 गाड़ी की, 59 ताज़ी गाड़ी। अच्छा जी। 22 गाड़ी कल की खड़ी है और समझो लगभग 30 गाड़ी नीचे है बैलेंस। 22 गाड़ी में 14 गाड़ी ऐसी हैं जो आधी आधी थी, 8 गाड़ी पूरी थी, लगभग समझो 15 गाड़ी माल समझो हो गया। अच्छा जी। अच्छा जी। कल का बैलेंस खड़ी में से। अच्छा जी। और लगभग 30 गाड़ी नीचे में, 45 गाड़ी वो और 58-59 गाड़ी ताजी। अच्छा, 58 गाड़ी। अच्छा जी। अच्छा जी। मिला के 103 गाड़ी माल है नीचे ऊपर मिला के। अच्छा जी। इसमें से 29 गाड़ी राजस्थान है और समझो आपका 12 गाड़ी है ये अपना MP। अच्छा जी। 8 गाड़ी पुणे और 8 गाड़ी नासिक। अच्छा जी। ये ताजी अराइवल है, मार्केट वही सेम चल रही है, सेम वही समझो 25 रुपए से लेके 35 रुपए तक। अच्छा जी। अच्छा जी। राजस्थान जो है वो बिक रहा है समझो 26-27 रुपए से लेके और 32-33 रुपया। अच्छा जी। अच्छा जी। ऊपर में बाकी MP के माल बिक रहे हैं 25 रुपए से लेके 30 रुपए, ज्यादा माल बिक रहा है 27 रुपए से 30 रुपए के बीच में। जो हल्के भारी माल है जिनमें ज्यादा दागी है, पत्ती नहीं है या दागी की शिकायत ज्यादा है, वो बिक रहे हैं 24.5 रुपए से लेके और 26 रुपए के बीच में। अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा। जो एवरेज माल है वो 27 रुपए से 30 रुपए, जो सुपर माल है वो 31 रुपए तक बिक रहे हैं, मतलब 1250 रुपए तक बिक रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा जी। पूना बिका है 1300 से 1400 रुपए, मतलब 32 रुपए से लेके और 35 रुपया। अच्छा जी। अच्छा जी। और नासिक जो है वो बिक रहा है 30 रुपए से लेके 32-33 रुपया। ठीक जी। ठीक जी। ठीक। हाँ जी। बाकी बिक्री वैसे आम दिनों की तरह ही है, माल वही मेरा ख्याल है लगभग वही, लगभग 40 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा, 40-45 गाड़ी यही समझो, ये पूरा हफ्ता ही यही 35-40 गाड़ी के बीच में बिक्री चल रही है, आज भी वही 40-45 गाड़ी माल बिकेगा। अच्छा जी। राजस्थान थी, राजस्थान बिक गई, MP में भी आधे से ज्यादा गाड़ी बिक चुकी है, इसमें लाट ज्यादा थे। राजस्थान की गाड़ी आई थी जिसमें सिर्फ 10-15 कट्टे लगी जी, ये तो तुलना है, वो भी बिका हुआ है, तुलना वो तो ढेरी भरी जा चुकी है उसकी। अच्छा जी। अच्छा। वो बिक चुकी है राजस्थान और MP में भी, अभी 5-7 लाट 10 लाट रह गए हैं, बाकी इसमें लगभग 27-28 लाट थे। अच्छा जी। तो बाकी ये भी गाड़ी लगभग लगभग बिक चुकी है। अच्छा जी। तो बाकी हाँ ये है कि पीछे नासिक में बताया था आपको कि आज रुपये अठाने थोड़ा सा मार्केट मुलायम है और ये थोड़ा सा इसका अराइवल का प्रेशर कहीं नहीं है। अच्छा जी। लेकिन थोड़ा सा लोगों में मानसिक दबाव आ रहा है मंदे का, उसका कारण ये पड़ रहा है कि एक तो बरसात की वजह से सब जगह पानी हो रहा है, हर जगह बिक्री सेलिंग पॉइंट पे सब जगह बिक्री कमजोर है। अच्छा जी। अच्छा जी। हर जगह ठीक जी। दूसरा थोड़ा सा लोगों के दिमाग में अभी एक मानसिक दबाव ये भी आ रहा है साउथ की फसल का, कि अभी तक साउथ में बरसात नहीं है, क्रॉप ठीक है, पिछले साल से ज़्यादा क्रॉप लगी है, तो उसका भी थोड़ा सा लोगों में मानसिक दबाव है। अच्छा जी। और लेकिन ये है कि अराइवल का प्रेशर ना तो कहीं प्रोडक्शन मंडी में कहीं पर ज़्यादा है और ना सेल की मंडियों में ही है, इसीलिए मार्केट वहीं की वहीं रुकी हुई है, मार्केट सेम ही चल रही है और ऐसे रहेगी। जैसा लोगों ने पीछे बताया था, कोई माल सुपर माल जी 36 रुपये बिक गया से, ये सब बेकार की बात है, कोई 35 रुपये सुपर कोई नहीं बिका है। पूना जो वो भी पूना के माल मासाखोर जो ले रहे हैं उन्होंने लिए हैं 34-35 रुपया, बाकी जो एवरेज माल है सब वही, ज़्यादा माल जो बिक रहा है वो 1100-1200 के बीच में ज़्यादा बिक रहा है। अच्छा जी। हाँ जी जी। यानी कि 28 से 30 के लगभग जी। हाँ 27 रुपए से लेके 30 रुपए के बीच में। अच्छा, अच्छा जी। ज्यादा माल बिक रहा है, एवरेज माल जो है एवरेज अच्छा, माल। अच्छा जी। अच्छे माल तो सारे ही लगभग समझो सब, वो तो MP भी 1250-1300 बिक जाता है, कोई बढ़िया माल आ जाता है तो, पूना तो बिक रहा है 1350-1400 रुपए बढ़िया माल। अच्छा जी। नासिक भी बढ़िया, जो बढ़िया गाड़ी आ रही है वो बढ़िया गाड़ी, वो भी 1300 के आसपास बिक रही, जो एवरेज है वो 1200 के आसपास बिक रही है। अच्छा जी। तो जैसे माल है वैसे भाव है,
पर मार्केट वहीं की वहीं है, मार्केट वैसे ही है, सेमी चल रही है और मार्केट अभी ऐसे ही रहेगी तब तक जब तक कि अराइवल का प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अच्छा जी, अगर जैसे पीछे मंडियों में अराइवल का प्रेशर नहीं है, ऐसे ही अगर माल पीछे भी अराइवल का प्रेशर जैसे नहीं है, ऐसे ही चलता रहा और यहाँ भी आगे सेल की मंडियों में भी माल के अराइवल का प्रेशर नहीं बढ़ा, तो मार्केट जैसे चल रही ऐसे चलते रहेगी। अगर अराइवल का प्रेशर बढ़ेगा तभी मार्केट कुछ अप डाउन हो सकती है। ठीक जी, ठीक जी। बाकी ये जो राजस्थान की अराइवल बढ़ी भी है इससे ज़्यादा फर्क नहीं इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये सब गाड़ी 10 टन से लेके और ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 टन माल होता है इनमें। अच्छा जी, अच्छा जी। ये समझो अगर कहने के लिए 29 गाड़ी है तो इसमें समझो 17-18 गाड़ी का ही माल है। अच्छा जी, अच्छा जी। अगर ये दिसावर वाली जैसे पूना की, नासिक की, एमपी की, यहाँ के जो गाड़ियाँ आती हैं ये सब 25-30 टन की आती हैं। ठीक जी। अगर इन गाड़ियों के अराइवल का प्रेशर बढ़ेगा तभी मार्केट पे कुछ फर्क पड़ेगा। राजस्थान की 5-10 गाड़ी के अप डाउन होने से मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा चल रहा है मार्केट अभी ऐसी चलती रहेगी। ठीक जी, ठीक जी। अगर इन गाड़ियों का अराइवल का प्रेशर बढ़ेगा तभी थोड़ा सा दबाव आएगा मार्केट पे। ठीक जी, ठीक। बाकी लेकिन हाँ थोड़ा सा आगे सब जगह लोगों में थोड़ा सा, क्योंकि एक तो बरसात का टाइम चल रहा है, माल भी जो 19-20 हैं वो ज़्यादा खराब होंगे, कार्बन आएंगे उनमें माल खराब होगा, तो इसलिए थोड़ा सा लोगों में मानसिक दबाव है साउथ की फसल को देखते हुए। अच्छा जी। बाकी और कोई ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ जिनके 19-20 माल हैं उनको निकालते रहना चाहिए क्योंकि अभी कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी कोई तेजी बनने वाली है। अच्छा जी। अभी ये जैसी मार्केट चल रही है लगभग मेरा ख्याल है लगभग 15 अगस्त तक लगभग ऐसे ही चलेगी। अच्छा जी, 15 अगस्त के बाद होगा जो कुछ होगा। कुछ होगा 15 अगस्त के बाद, फिर वो भी डिपेंड करेगा कि साउथ की क्रॉप कैसी निकलती है, उधर बरसातें कैसी पड़ती हैं, फसल तो ज़्यादा लगी है। अच्छा जी। अभी बरसात वहाँ है नहीं। अच्छा जी। तो वो क्रॉप निकलती है सितंबर में, उसका एक्चुअल रिजल्ट आएगा अगस्त में, वहाँ बरसातें कैसी पड़ती है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक जी, ठीक। इसीलिए लोगों में थोड़ा सा मानसिक दबाव है, बाकी मार्केट सेमी है, सब जगह सेमी चल रही है, पूरा हफ्ता लगभग एक ही मार्केट चल रही है। सेल जरूर थोड़ा सा पहले से कम हो गई है, जहाँ पहले 50-60 गाड़ी माल बिक रहा था अब 35-40 गाड़ी माल बिक रहा है। किसी दिन जिस दिन ज़्यादा बिक्री होती है तो उस दिन 50 गाड़ी सेल तो जिस टाइम हर एक चीज़ में कम है जी, आलू में भी कम है, सब्जियों में भी कम है, सब जगह कम है। उसका कारण है भाई साहब क्योंकि चारों तरफ सब पानी, यूपी देख लो तो बिहार बंगाल हर जगह पानी हुआ पड़ा है, तो ग्राहक नहीं पहुंच पाता है ना मंडियों में। अच्छा जी, अच्छा जी। तो सेल पॉइंट हर जगह कमजोर है। ठीक जी, ठीक। तो लेकिन सेल पॉइंट कमजोर है तो इसी हिसाब से आगे पीछे भी अराइवल का कोई खास प्रेशर नहीं है। हाँ अगर पीछे मंडियों में अराइवल का प्रेशर बढ़ेगा तो माल लोडिंग होगा, आगे लोडिंग होगा तो आगे मंडियों पर भी प्रेशर पड़ेगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो मार्केट जैसी चल रही है ऐसी चलती रहेगी। ठीक जी, धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर जी अपना। आरची ट्रेडर्स, दुकान नंबर 991 सब्जी मंडी आजादपुर, फोन नंबर 3738, मोबाइल नंबर 98110-15739। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।